वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये सब विघ्नों को हरने वाले देवता है। और हर साल हम गणेश पूजन करते हैं, 5 दिन का हमारा गणेश पूजन रहता है और फिर हम विसर्जन के लिए जाते हैं। कल हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने इसमें सहभाग लिया, भक्तजन आए, तीर्थ प्रसाद लिया उन्होंने और हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज करीबन 10-12 साल से लगातार हम एक ही मूर्ति लेकर आ रहे हैं हमारे यहाँ। ये टिटवाला की मूर्ति है और इसका धार्मिक महत्व भी है, सिंदूर वर्ण है इनका। तो हर साल हमारी एक ही मूर्ति होती है, हम कोई दूसरी मूर्ति लाते नहीं हैं, ताकि लोगों को यहीं घर बैठे टिटवाला के दर्शन हो जाए और सबको इसका लाभ मिले। होगा विसर्जन की बप्पा के आते ही महाराष्ट्र में एक वातावरण पॉजिटिव एनर्जी का आ जाता है। आप देख रहे हो पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है और पूरे वातावरण चेंज हो जाता है। और खास करके इस बार तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, वो सारी योजनाएं उनको बहुत अच्छा लाभ दे रही है। खासकर महिलाओं के लिए जो लाड़की बहन योजना आई है, बहुत ही अच्छी योजना है। तो इस बार सभी लोगों ने इसका फायदा लिया और बापा के चरणों में 5 दिन भक्ति की और यही प्रार्थना की कि अगले मुख्यमंत्री भी साहब बनेंगे और बहुत ही अच्छे वातावरण में चुनाव भी संपन्न होंगे और बहुत अच्छी सरकार बनेगी आगे और मुख्यमंत्री हमारे साहब वापस बनेंगे, यही मंगल कामना की हमने बापा से। हमारे विसर्जन की किस तरह की तैयारियां आपकी है? विसर्जन हम हर साल जैसे करते हैं, बापा को धूमधाम से लेकर आते हैं और धूमधाम से लेकर जाते हैं, बस यही है। विसर्जन कहाँ पे होगा? विसर्जन यहाँ हमारे यहाँ कांदिवली विलेज में जो तालाब है वहाँ पर हम विसर्जन करते हैं। कितनी फुट की गणपति है सर, कितने सालों से बैठा? हमारी ये 2 फुट की गणपति है और 12 साल से हम लगातार बिठा रहे हैं यहाँ।